نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوار بھائیو، موت روزانہ قریب آ رہی ہے، لہذا آدمی کو ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں لگنا چاہیے. کامیاب انسان وہی ہے جسے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، یہ کامیاب انسان ہے. جو اپنی فکر کے ساتھ چلے گا اور جس اور صحیح نیت کے ساتھ چلے گا، وہ اپنی منزل پا لے گا. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اپنے بیان میں ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، ہمارے ساتھی جو ہیں، اس محنت میں اپنی جانے والے قربانی جو دے رہے ہیں، یہ اپنی اس داغی نیت سے کام کریں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اگر یہ اپنی نیت نہیں کرتے اور دوسروں کی ہدایت کی نیت کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ تو محنت کرنے والے کو ہدایت دینے کا ہے. جو محنت کرے گا اسے اللہ ہدایت دیں گے، اس کی محنت پر دوسروں کو ہدایت کے دینے کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے. فرما کرتے تھے کہ آدمی کی محنت پر اس کو ہدایت دینے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن یہ محنت اپنی ہدایت کی نیت سے کرتا نہیں تو اسے بھی ہدایت نہیں ملے گی. انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار تو نیت پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، اور آدمی جس عمل میں جون سی نیت کرے گا، اس کے اعتبار سے اللہ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ محنت کرنے والے ہمارے اپنی ہدایت کی محنت نیت تو کرتے نہیں، اور جن کو ہدایت کے دینے کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے، ان کی نیت کرتے ہیں لوگوں کو ہدایت مل جائے، تو نہ اسے ہدایت ملتی ہے نہ ان کو تو وعدہ کیا ہی نہیں اللہ نے. اس لیے میرے دوستوں، بہت فکر کی بات ہے.
उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो एक मलफूज है, हासिबु क़बल अन तुहासबु, अपना हिसाब करो कि मुझे क्या मिल रहा है और मेरे पास से क्या जा रहा है। मेरी आख़िर बन रही है यानी मेरी आख़िर बिगड़ रही है। हमारे बुजुर्गों ने हमें 6 नंबर दिए हैं, 6 सिफात दी हैं कि मेहनत करके उसे अपनी ज़िंदगी में लाओ। ईमान वो बनाओ जो सहाबा का था, ये मुतालबा है। कुरान हम सब से उस ईमान का मुतालबा कर रहा है जो सहाबा के पास था। ये ईमान मतलूब है और यही ईमान अल्लाह के यहाँ मकबूल है। ईमान बिल गैब, कुरान पाक में अल्लाह ने ही फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमना नास, जब इनसे कहा जाता है वो ईमान बना, वो ईमान लाओ जो सहाबा के पास था, ईमान वो ईमान लाओ। अल्लाह हमसे वो ईमान चाहता है और हमारी मंजिल वही है। हमारे बाबू आप सब रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे, मियाँ दुआ में अल्लाह से वो मांगो जो अल्लाह ने सहाबा को दिया। अल्लाह के खजानों में वो कमी नहीं है। अल्लाह जो कुछ तूने सहाबा को दिया हमें भी अता फरमा दे, इसकी दुआ मांगो। वो ईमान जो अल्लाह ने सहाबा को दिया, वो अखलाक जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाए, वो तकवा, वो तवक्कुल, वो दुनिया से भी रग़बती और आखिरत की रग़बत, जिंदगी में तवाज़ो और सब कुछ करने के बाद फिर अपनी नफी कि हमसे कुछ नहीं हुआ। दिन ब दिन उनकी जिंदगी में आखिरत का फिक्र बढ़ता था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से जा रहे हैं और आपका सर अपने बच्चे के अपने लड़के के गोद में है। उस वक्त अपने बच्चे से कह रहे हैं, बेटे से कह रहे हैं, बेटा मेरा सर जमीन पर रख दे, मेरा सर जमीन पर रख दे, अगर इसका अल्लाह इससे राजी है तो फिर कब्र में जाने के बाद ये तुम्हारा कफन वगैरह वहां से हटकर अल्लाह जन्नत के दे देगा। अगर तेरे बाप का मसला खटाई में है और ये फरमाए मुझे जल्दी कब्र में पहुंचा देना, मुझे जल्दी कब्र में पहुंचा देना, अगर अल्लाह मुझसे राजी है तो मैं अपनी जगह पहुंच जाऊंगा, अगर अल्लाह मुझसे नाराज है तो ऐसे आदमी को अपने कंधों पर उठाए कब तक फिरोगे, जल्दी पहुंचा देना। इसी मेरे भाइयों, खुश नसीब आदमी वही है जिसके सामने हमेशा मौत रहे कि मुझे मरना है, मेरी मौत करीब आ रही है, और अपनी मौत की तैयारी में लगा रहे, अपनी ज़िंदगी की कमजोरियाँ कोताहियाँ याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे। और सबसे बड़ी हमारा जुर्म जो जिम्मेदारी हमें अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाने के और जाते आते जाने से पहले हज्जतुल विदा के मौके पर एक एक फर्द उम्मत के जिम्मे की थी कि अल्लाह के भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकत दीन दुनिया के एक एक इंसान तक पहुँचाने की फिक्र करना। हम सब के अंदर दिन ब दिन ये फिक्र बढ़नी चाहिए कि हमें तो पूरे आलम की जिम्मेदारी दी है
और इसके पूरा करने में हम कोताही कर रहे हैं, अल्लाह माफ कर दे। हमारे बैदुल्वाहाब साहब फरमाया करते कि तुम अपने मजमू से तोबा कराओ, तुम्हारे इज्तिमा में तुम जाते हो तो मजमू से ये तोबा कराओ कि सबसे बड़ा जुर्म जो हमारा है वो हमने अपने नबी वाली जिम्मेदारी को निभाया नहीं है और अल्लाह के दीन की मेहनत में कोताही की है, जिसके नतीजे में उम्मत में बेदीनी दिन ब दिन बढ़ती है, उम्मत अपने मकसद से हटी है और इस उम्मत ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ा, जिसके नतीजे में इसके ऊपर जिल्लत के बेदुर बादल हर जगह पे छाए हुए हैं। और ये जिल्लत के तो हट नहीं सकते जब तक ये उम्मत अपनी कोताही पर खुदा से तौबा न करे और अपनी जिंदगी के मकसद की तरफ लौट ना आए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से इस उम्मत को लाया है। हाँ, कि अगर तुम दुनिया में लग जाओगे और अपनी जिंदगी के मकसद को छोड़ दोगे तो फिर अल्लाह तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। इज़ा तबाया तुम बिलैना व अखज़्तुम अज़नाब अल-बकर व रदीतुम बिज़रा व तरक्तुम अल-जिहाद फी सबीलिल्लाह सल्लत अल्लाहु अलैकुम ज़िल्लन ला यंज़िउ हत्ता तरजू इला दीनिकुम व इला जिहाद दीनिकुम। कि जब तुम देख दुनिया की तिजारतों में फंस जाओगे और उसी के होकर रह जाओगे और आखस तुम अजना बल बकर और तुम अपनी ज़मीनों की मेहनत में और खेती बाड़ी में फंस जाओगे, हाँ, और अपनी अपनी मुलाजमों के मुलाजमत के चक्करों में अपने आप को लगा दोगे, हाँ, इज़ा तबाया तुम बिलहिना व आखस तुम अजना बल बकर व रदी तुम बिज़्ज़ा जिहाद फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के दीन की मेहनत को छोड़ दोगे। हम में से हर आदमी को रोजाना ये बात सोचनी चाहिए मैं कितना कर सकता हूं और कितना कर रहा हूं, मैं कुसूरवार हूं। ये भी शैतान का एक चक्कर है कि दूसरों की फिक्र में इंसान को लगा देता है, हमारे साथ ही गश्ती करते हैं, मैं नहीं करता वो नहीं सोचता आदमी, मैं गश करता हूं तो कैसा कर रहा हूं, मेरा गश सही है, मुझे मेरे बुजुर्गों ने गश के लिए जो तरतीब बताई है क्या मैं गश को इस तरतीब से कर रहा हूं, मेरी मेहनत का निजाम क्या है। जो इसको सोचेगा और जितना ये अल्लाह से अच्छा गुमान करके उस मंजिल की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि मेरा ईमान सहाबा जैसा हो जाए, मुझे अल्लाह वो ईमान दे दे, हाँ, इसी ईमान के हुसूल के लिए ये मेरा मेहनत है ईमान की। हाँ, ये जो हम बाहा कहते हैं कि हज़रत फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह इमाम इलियास रहमतुल्लाह अलैह कि मैंने इस मेहनत का नाम तबलीगी जमात मैंने नहीं रखा, मैंने कोई नाम नहीं रखा, अगर मैं इस मेहनत का कोई नाम रखता तो मैं इसे तहरीक ईमान का नाम देता, ये तो ईमान बनाने की मेहनत है। कौन सा ईमान? का वो ईमान जो सहाबा के पास था, वो ईमान बिलगैर था, जिस ईमान के नतीजे में सहाबा में आखिर का शौक और वलवला पैदा हुआ था और मौत उनके नजदीक महबूब बन गई थी, मौत महबूब बन गई थी, इसलिए अल्लाह के दीन के तकाजों को, वो दीन के तकाजे क्या थे, अल्लाह के रास्ते की मेहनत का क्या मकसद था, अल्लाह के रास्ते में निकलना, दीन के लिए दावत में अपने आप को लगाना और ज़रूरत पड़े तो दुश्मन के मुकाबले में जान देने के लिए तैयार रहना,
वो जाते थे मरने के लिए, जीने के लिए नहीं जाते थे। हाँ, वही थे दिलाओ करानो, दुनिया से जा रहे हैं तो इस पर हसरत कर रहे हैं कि मैं इस्लाम कबूल करने के बाद हर मौके को मैंने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा अल्लाह के रास्ते में शहादत की मौत हासिल करने के लिए। याद तक कि मेरा जिस्म जख्मों से छलनी हो गया, जिस्म में कोई ऐसी एक बारिश जगह नहीं है जहाँ पर तीर और नेजे के जख्मे न हो, लेकिन आज मैं अपने घर मर रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते की मौत नसीब मुझे नहीं हुई। ये बहुत फिक्र की बात है मेरे भाई, अल्लाह ने हमें लगाया है, हम लगे नहीं हैं, उसने अपनी अपने फजल से हमें इस मेहनत में लगने की तौफीक दी है। लेकिन जब उसने लगाया है तो फिर हमें इस मेहनत में ऐसे लगना चाहिए जैसे वो चाहता है, और वही आसान करेगा, हर मुश्किल को आसान वही करने वाला है, और हमारा कदम उसकी तौफीक के बगैर हमारा कदम उठ नहीं सकता, उसकी तौफीक से ही काम बनेगा। इसलिए हर वक्त आदमी को उससे तौफीक मांगनी भी चाहिए और उससे ये भी मांगना चाहिए जैसे तू चाहता है ऐसे मेहनत करने की तौफीक दे। हाँ, दीन की अजय मेहनत में लगने के बाद दिन ब दिन दुनिया से बेरहमती पैदा हो, दुनिया से बेरहमती पैदा होने के माने माल पैसे कमाने के चक्कर से भी निकलना और दुनिया के अच्छे अच्छे खाने और पीने और अच्छे अच्छे कपड़े और चीजें, इसकी हवस कम होकर बेरहमती पैदा हो। मुजाहदा जिंदगी में आए, मुजाहदे के माने यही है कि अपनी जाती तरतीब को छोड़कर नबी तरतीब पर हम आ रहे हो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के घर में जो फाके आते थे वो फाके इख्तियारी थे, इस्तेदारी नहीं थे। हाँ, आपने दुनिया की दुनिया से बेरहमती पैदा की, अपने घर में कोई चीज न रहे इसकी फिक्र की आपने कि मेरे घर में रात को कोई माल छोड़कर मैं न सोऊं। हमारा दिन वाकई पढ़ते थे शेख ने अपनी फजाए की किताबों में तमाम चीजें भर दी हैं, और ये हमारी हमारी तरबियत और हमारी जिंदगी के रुख को सही करने के लिए है कि हमें ऐसा बनना चाहिए। इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजों, कामयाब वही है जिससे अल्लाह राजी हो जाए, कामयाब वही है जिसे अल्लाह खुश होकर जन्नत में दाखिल कर दे, कामयाब वही है जो कयामत के दिन प्यारे नबी के मुबारक जमात के साथ हो। हाँ, हुजूर की दुआओं में है, अल्लाहुम्मा जल नबीना लना फरता, हाँ, वहौलहु लना मौरिदा, ऐ अल्लाह हमें अपने नबी के हौज पर पहुंचा देना और हमारे नबी को हमारे लिए फर्ज आगे जाने वाला बनाना कि हम आपके साथ उठें। वहौज़हु लना मौरिदा, और आपके हौज कौसर पर पहुंचा देना कि आपके मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना हमें नसीब हो जाए। अल्लाहुम्मा हशुरना फी ज़ुमरती, अल्लाह आपकी मुबारक जमात के साथ हमारा हश्र फरमाइए।
वस्तामिलना भी सुन्नति, और आपकी सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे कि आपकी सुन्नत और जिंदगी में गुजारो। हाँ, किसी सुन्नत को आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हकीर नहीं समझना चाहिए। हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग जो बात फरमाते हैं कि हर आसान से आसान सुन्नत जो है उसे पहले उस पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला आगे की तौफीक दे देगा। हमें अपना अपनी खुद की निगरानी खुद को करनी चाहिए। हर आदमी खुद अपना पीर है, किसी बड़े से बड़े अल्लाह वाले से चाहे आदमी अपना ताल्लुक जोड़े लेकिन उनकी हिदायत का अमल नहीं किया तो कुछ नहीं हासिल कर सकता। खुद का पीर है, मेरे अंदर कमजोरी क्या हो मैं देखूं, उन कमजोरियों को मैं दूर करने की कोशिश करूं, मेरी इस्लाह हो जाएगी। हाँ, इसलिए किताबों में है केला मैं अपने ऐप और कमजोरियों को देखकर जिंदगी गुजारूं, मैं दूसरों के ऊपर नजर डालने के बजाय मैं अपने ऐप पर नजर डालने वाला बन जाऊं, मेरी कमजोरी क्या है। रोजाना हमारे लिए तो आसान चीज है कि रोजाना हम सोचें क्या हमारा ईमान साहबा वाला ईमान बना कि नहीं बना। अल्लाह ने अपने बंदों से साहबा वाला ईमान का मुतालबा किया है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को से अपनी वाली नमाज का मुतालबा किया है, सल्लु कमा रअयतुमुनि उसल्ली, ऐसी नमाज पढ़ो जैसा मुझे नमाज पढ़ता तुम देखते हो। तो क्या हमारी नमाज वैसी बनी? नहीं बनी, नहीं बनी। क्या हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ? नहीं हुआ कि मेरा हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, मैं तहकीक करने वाला बनूं। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते थे कि मैं इल्म के नंबर से ये चाहता हूँ कि हर मुसलमान के अंदर तहकीक का जज्बा पैदा हो जाए। हर आदमी मौलवी तो नहीं बन सकता लेकिन हर आदमी हर मौके का की बात की तहकीक करके उस पर अमल कर सकता है। तहकीक हक, इल्म के नंबर का मकसद यह है तहकीक हक, हक और हक की तहकीक करके उस पर अमल करना। अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका, ये सुनना सुनाना इसलिए होता है मेरे दोस्तों कि हमें ये बात आए। जब आदमी की अपनी निगाह अपनी कमजोरी पर रहेगी तो फिर उसे आगे किसी के आयत पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हदीस में तो ये आता ही है कि तुझे अपने ऐबों और कमजोरियों पर देखना दूसरों की यूं कमजोरी देखने से रोक दे। और कौन ऐसा है जो मेरे दोस्तों गुनहगार नहीं है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से उम्मत के सामने बात कही है, कुल्लुकुम खताऊन, तुम में हर आदमी गुनहगार है, खताकार है। वो खैरु खताईन तौवाबून, गुनहगारों में जो तौबा करने वाले हों बेहतर बेहतर लोग हैं। हर वक्त तौबा, हर वक्त आदमी अल्लाह की तरफ इस्तग़फ़ार करने लगा रहे। हाँ, और हम अपने ज़ात से मेरे दोस्तों इतनी कुर्बानी दें कि जिस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह हमारा ईमान बना दे, अल्लाह हमारी नमाजें सही फरमा दे, अल्लाह हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी को अपने नबी की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक हमारी जो जिंदगियाँ गुजरने लगे, हमारे दिलों से खुदा के गैर का मेरे दोस्तों ध्यान निकल कर एक अल्लाह के ज़ात आली का हर वक्त ध्यान हमारे अंदर आ जाए, हमारे अखलाक बेहतर से बेहतर बने
और सबसे पहले हमारे अखलाक हमारे घर वालों के साथ बेहतर हो। हाँ, जो तुम में से बेहतर वो आदमी अल्लाह के निकाह में जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, अल्लाह के नबी का फरमान है। और मैं अपने घर वालों में बेहतर हूँ, घर वालों के साथ मैं बेहतर हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ। अगर अल्लाह ने हमें मेरे दोस्तों कारखाने वाला बनाया है, कारोबार वाला बनाया है, और हमारी मदती में जो मज़दूर और जो हमारे मुलाजिम हैं उनके साथ हमारी अखलाकी ज़िंदगी क्या है, ये बहुत शुक्र की बात है कि मेरे अखलाक कहाँ तक सही हैं। हाँ, और इखलास अल्लाह के लिए करना, ये बहुत अखीर में आता है। हज़रत वालिया साहब को फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि इखलास के बारे में कोई मुफ्ती फतवा किसी के बारे में नहीं दे सकता, कौन मुखलिस है। इखलास का फैसला तो अल्लाह कयामत के दिन करेगा। बहुत रोने की बात है, बहुत फिक्र की बात है कि इखलास का फैसला अल्लाह करेगा। कोई आदमी किसी अपने बारे में या कोई हमारे बारे में इखलास का फैसला नहीं कर सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, या अबा ज़र ओ अबू ज़र अहकम सफीना फ़इन अल-बहर अमीक, अपनी कश्ती को मजबूत कर ले, इसलिए कि दरिया बड़ा गहरा है। गहरा जो दरिया होता है उसमें मौजें बहुत होती हैं, अगर कश्ती मजबूत नहीं तो डूब जाएगी। यानी अपने आप में ईमान महकम ईमान पैदा कर। हाँ, इकबाल मरहूम ने इसी तक इशारा भी किया है, यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम। यकीन मजबूत होना चाहिए, एक अल्लाह पर यकीन आए, हमारी जेब पर हमारे माल और पैसों पर या किसी के माल और पैसों पर किसी मखलूक पर हमारा यकीन न रहे। अपने दिलों से खुदा के माँ सिवा का तासुर निकालना बे इंतहा ज़रूरी है। ये हमारी जुबानों पर जो दुनिया के पेट्रोल वालों के और दुनिया के मेरे दोस्तों चीज़ों वालों के जो तस्करे हैं, ये तस्करे इसीलिए कि हमारे दिल इससे मुतासिर हैं। सबसे पहले खुदा के मासिवा का तासुर निकालना ज़रूरी है। हमारे भाई अब्दुल हफ साहब ये कहा करते थे कि हमारे दिल मुतासिर हैं मखलूक से, चीज़ों से, असबाब से, हमारे दिलों से तासुर निकला ही नहीं है। और सबसे पहले तासुर निकालना है दिल से, और फिर अल्लाह की ज़ात आली का तासुर दिल में पैदा करना, ईमान का तकाजा ही है। हाँ, तो मेरे भाई मेरा चीज़ हो हमारी हमारा यकीन बने दिन ब दिन। यकीन, ईमान और यकीन में हम हमारी तरक्की हो रही हो। हाँ, हमारे ज़ुबानों पर ईमान और यकीन के बोल इतने आ जाएं कि हम हर मजलिस पे इसको बोलने वाले बन जाएं। हम अपने बीवी बच्चों को भी ईमानी तरबियत में घर में जाकर यही के भी खिलाता अल्लाह है, खाना खिलाता अल्लाह है, हमें भी मुझे भी वही खिलाता है, उनको भी वही खिलाता है। आखरत है, मौत है, इसके तज़किरे हम अपने बच्चों के सामने। हाँ, जन्नत के तज़किरे घरों में इतने ज़िंदा होने चाहिए कि हमारे अंदर हमारे भी बच्चों में जन्नत का शौक़ पैदा हो जाए। जैसे सहाबा के बच्चों के 14-14 साल के बच्चों के दिलों में जन्नत का शौक़ था, शहादत का शौक़,
कि शहीद हो जाए ताकि जन्नत में पहुंच जाए। हमारे बच्चे हमसे पूछें अब्बा जन्नत में कब जाएंगे, जैसे आज हमारे बच्चे हमको पूछते अब्बा बंबई कब जाएंगे, क्योंकि हमारे घरों में इसके तस्करे हैं। हाँ, हमारी जिंदगी का फिक्र बदले, असल तो फिक्र बदलना है। अभी हमारी फिक्रें क्या है, हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर कैसे बने, इसके मुकाबले में हमारी फिक्र ये बने कि हमारी आखिर बेहतर से बेहतर कैसे बने। मेरा ताल्लुक अल्लाह से कैसे बढ़े, मैं अल्लाह का बंदा कैसे बनूं, ये फिक्र। मेरी जान माल अल्लाह के दीन पर कैसे लग जाए, मेरी औलाद दीन पर कैसे लगे, ये चीज अंदर पैदा होना शुरू चाहिए। हमारा हर फुरूज हमारे अंदर, इस पर तरक्की हमारी पैदा हो रही हो, चाहे वो 3 दिन का फुरूज हो, चाहे वो चिल्ला 4 महीने का हो, चाहे अंदरून मुल्क का हो, चाहे बैरून मुल्क में हो। अपनी जात, और ये बात साहब मेरे भाइयों, जो हम में होगा वो दुनिया में चलेगा। दावत, दावत की तासीर है, दावत जिस टाइम की भी दावत हो, हक की हो बातिल की हो, तो वो मुतासिर का दावत जो है दूसरे को मुतासिर करेगी। अगर हम हक की दावत के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी दावत मुतासिर करेगी दूसरे को, हम मुतासिर नहीं होंगे। अगर हमने दावत में गफलत की तो हम पर दूसरों की दावत चलेगी। रात दिन हम कहते हैं या तो दाई बनो या तो फिर मधु बनना है। इसलिए आप देखिए कि हमारा माशरा, हमारे माशरा, हम अपने माशरे के बारे में तासुल लिए हुए हैं। जहां जिन चीजों को हम ला रहे हैं और जो वो चीजें जहां से आ रही हैं, हम उनसे मुतासिर हैं। तासुर हमारे अंदर, चाहे 5 की नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, लेकिन माशे के बारे में हमने अपने दिलों से इन गैरों के तासुर को नहीं निकाला। मेरे भाइयों, जहां सुन्नत वाली जिंदगी की मोहब्बत दिल में लानी जरूरी है, वहां सुन्नत के खिलाफ की तमाम चीजों की नफरत पैदा होनी चाहिए आदमी, नफरत पैदा होनी चाहिए। हाँ, यानी जब इसकी नफरत पैदा होगी तो हमारे घर में रह नहीं सकते वो चीज। आपके घर में आप नया फर्नीचर लाते हैं, 1-2 साल के बाद वो फर्नीचर पुराना हो जाता है और उस पर उससे तबीयत हट जाती है, तो फर्नीचर घर में रहता नहीं है, रहता है निकलता है घर से, नफरत पैदा हो गई। अब तो सुन्नत के खिलाफ की जिंदगी की नफरत दिल में पैदा होने के माने ये हैं कि फिर वो हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में बाकी नहीं रह सकती, और हमारे छोटे बच्चों की जिंदगी में भी नहीं आ सकती। हाँ, ये हमारे घरों में हमारे बच्चों की जिस्मों पर जो सुन्नत के खिलाफ का लिबास आता है, हाँ, वो सुन्नत के खिलाफ का लिबास क्यों आता है, हमारे दिल में इसकी नफरत अब तक आई नहीं है। हाँ, आदमी अपनी जात के अतबार से बोल भाई क्या करें, हदीये में आया है फलां, इसकी फूफी लाई है, इसकी खाला लाई है, ये है ये है। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूँ, इसकी फूफी
और इसकी खाला साड़ी ला के दे तो लड़के को पैदा हो गया, पहनाएगा? इंग्लैंड से लाई, अमेरिका से लाई, हज में लाए, लड़कों के लिए साड़ी पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे, नफरत है अंदर। मेरे भाई मेरे अजीजों, हम नमूना बने के लिए तय करोगे तो अल्लाह बना देगा। हमारी मंजिल हुआ है सहाबा जिंदगी है, कोई मुश्किल नहीं है, सहाबा भी हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने जिस दिन से अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ दिया उस दिन से तय कर लिया कि अल्लाह के नबी की बात को सुनेंगे और अल्लाह के नबी की बात पर अमल करेंगे। हाँ, फैसला किया हो। और अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों के फैसलों को देखता है। हाँ, दिल का फैसला। हजरत मौलाना सलाम अल्लाह ने हमारे जो अकाबिर हैं उन्होंने एक फैसला किया था कि ये जागीरें हैं, ये जायदाद हैं, ये माल और ये पैसे अल्लाह के दीन पे लगा रहे हैं और दीन दुनिया में चमक जाए इसके लिए जिंदगी को खपा देना है। ऐसे ऐसे लोग नहीं थे, रईस लोग थे, रईस थे, जागीरदार थे, जागीरदार जिनके पास बड़े बड़े गांव थे जागीरदारी में। इसे कुर्बान किया है दीन के खातिर और अपने घरों में अपना इख्तियारी फाके को इन्हें इख्तियार किया है। हाँ, जिंदगी उसके ऊपर अपनी डाली है उन्होंने। मेरे भाई मेरे अजीजों, हम और आप अपने बारे में, अपने अपने खानदान के बारे में, ये तो कोई चीज नामुमकिन तो है ही नहीं। इसलिए कि मसला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला शानो अपने बंदे के गुमान के एतबार से अपने बंदे के साथ मामला करता है। हाँ, अपने बंदे के गुमान के मामला करता है। मैं अपने बाद मदर साथियों से कहा करता हूं कि जुमा के दिन ये मुसलमान नमाज में आता कौन लाता है इसको? जुमा के दिन हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, इन तमाम मुसलमानों को मस्जिद में लाता कौन है? हम कष्टों कर दे रही है और ये नमाज में हमसे पहले होते हैं, इन्हें कौन लाता है? अल्लाह लाता है इन्हें मस्जिद में। अल्लाह लाते हैं, क्यों लाते हैं? इसलिए कि ये जुमा की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ने के बाद फौरन तय कर लेता है आइंदा जुमा की नमाज तो पढ़नी है। अभी मस्जिद से निकला नहीं है लेकिन आइंदा जुमा, बल्कि ये मुसलमान मौत तक का फैसला किया हुआ है कि जुमा की नमाज तो नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह इसे जुमा के दिन चाहे बंबई में हो वहां भी तौफीक देता है और तलाश करता है मस्जिद के, कहां मस्जिद है वहां जाके पड़ेगा। लेकिन वही मुसलमान बाकी नमाजें पढ़ने के बारे में फैसला नहीं करता तो सब सहूलत होने के बावजूद भी बंबई में अपनी ट्रक पर बैठे बैठे गप्पे मारेगा लेकिन नमाज पढ़ने जोर की नहीं जाएगा, तो फिर नहीं मिल रही। हदीस में कि जो आदमी अल्लाह से सच्चाई का मामला करेगा अल्लाह उसे सच्चा कर दिखाएगा।
बल्कि अल्लाह ताला शानू तो हदीस कुर्सी में अपने बंदों की मदद का वादा कर रहा है और अपने बंदों के लिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला अगर बंदा एक बारिश बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ दो बारिश बढ़ते हैं आसान वो करेगा। अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो अल्लाह दो हाथ बढ़ते आगे। अगर ये चल कर जाता है तो खुदा दौड़ कर ले लेता आ जाओ आसान वही वही करेगा। लेकिन बंदे के अंदर के फैसले पर हाँ बंदा बढ़े इसलिए भाई मैं दोस्तों जान माल को लगनी है कहीं भी लग जाएगी। अगर जान माल नबी वाले मकसद पर लगाने का फैसला हम करेंगे अल्लाह हमारी जान माल को उस अजीम मकसद पर लगवा देगा हमारी औलादों को लगा देगा। हाँ हमारे अंदर का जज्बा है हमारा जज्बा ये मेरे बच्चे डॉक्टर तो डॉक्टर बन जाते हैं मेरे बच्चे इंजीनियर बने तो इंजीनियर बन जाते हैं मेरे बच्चों को पीएचडी मिल जाए तो पीएचडी मिल जाती है। अगर मेरे अंदर का जज्बा मेरे बच्चे भी सहाबा के बच्चों की तरह दीन के खादिम बने अल्लाह के दीन पर इनको अपनी जान देने का जज्बा इनमें पैदा हो जाए। जब हमारे अंदर ये बात आएगी तो अल्लाह का दिखाएगा जो आज हो रहा है। हाँ इसलिए मेरे भाई मेरा अजीज़ो अपनी जात से लेकर मेरा खानदान मेरे भी बच्चे हाँ मेरे मुलाजिम हाँ बाबर वहाब के पास रहने वाले पड़ोस के एक बड़े ताजिर लेकिन उनके साथ बाबर वहाब से ताल्लुक था। फरमाते की तरह मैं मिलने गया बाबर वहाब साहब से तो कहते कुछ करता नहीं है एक बाबर वहाब की एक तरफ तरती कुछ करता तो है नहीं तो आप क्या चाहते हैं क्या करूं तो उनकी बड़ी बड़ी दी जाती 5,000 मुलाजिम उनके कारोबार में है बड़ी एक कारखाना है। तो भाई अब्दुल्हासन ने कहा तेरे मुलाजिमों को बेनमाजी नहीं रहना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं तय करता हूं कोशिश करके कि मेरे मुलाजिम कोई बेनमाजी न रहे आप दुआ कीजिए। तो इन्होंने फिर अपने कारखाने में और अपने उस फैक्ट्री में जाकर इसको सोचा क्या करना। हाँ तो फिर दावत की मेहनत तो आदमी को बहुत कुछ समझ दे देती है 5,000 आदमी को मेहनत करके नमाज़ें लाने की क्या शक्ल हो। तो इन्होंने सोचा कि मेरे फैक्ट्री में जो लोग नमाज वगैरह पढ़ने वाले हैं उन्होंने क्या किया 15 आदमियों की एक एक जमात बना दी ग्रुप काम के एतबार से और उस ग्रुप का एक जिम्मेदार बना दिया कि ये उसका जिम्मेदार और उनसे कहा कि भाई देखो अब तुम्हें कोशिश करनी है कि ये 15 आदमी नमाजी बने इसकी फिक्र तुम्हें करनी है तालीम करनी है आपको तरकीब के साथ ऑर्डर के साथ नहीं। तो चाहे मेरे भाइयों जब फिक्र होती है कोशिश करता अल्लाह किसी की कोशिश जाया करता नहीं। हमें शैतान जो है मायूसी के रास्ते से हमें नाउम्मीद करके मेहनत से रोक देता है। हालांकि बच्चे की मेरा बच्चा अगर उसको
मुझे नमाजी नमाज की तरफ मैं बुला रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, तो उसका दिल तो अल्लाह के हाथ में है, उसके उसकी हिदायत का जो मुतय्यन है उस मौके पर खुदा उसको हिदायत दे देगा। मुझे ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं, मैं अपनी मेहनत को चालू करूँगा। मेहनत चालू रखनी चाहिए आदमी को प्यार मोहब्बत के साथ। हाँ चुनाचे फिर एक दो साल गुजरे, फिर मुलाकात हुई, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है हम मेरी फैक्ट्री में कोई बेनमाजी नहीं रहा। तो वो जो कि भाई फैक्ट्री में तो नमाज पढ़ लेता है, घर फजर की नमाज घर पढ़ता होगा नहीं पढ़ता होगा। तो वो जो 15-15 का ग्रुप बनाया ना, उसमें वो जो जिम्मेदार उसके वो जिम्मे है कि भाई उनको ये आने के बाद नमाज उनको पूछ लिया करें फजर की नमाज भी नहीं हुई। तो वो सब सबकी फजर की नमाज भी घर जिंदा हो गई हो गए। उन्हें जमात में निकालने की तरतीब बनाई, अल्लाह के नाम की तरतीब बनाओ। तो मेरे भाई मेरे अजीज हो, हमारी निगाह हमेशा अल्लाह पर रहनी चाहिए। मेरी बीवी बच्चों की हिदायत का मसला तो अल्लाह के हाथ में है, मेहनत का मुकल्लफ में हूं मैं, मेहनत का मुकल्लफ हूं। और इंसान एहसान का बंदा है, इंसान एहसान का बंदा है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अगर वो एहसान वाली जिंदगी गुजारूंगा तो एक दिन आएगा कि वो बीवी बच्चे मेरी बात पर हर तस्ते करेंगे। ऑर्डर चलाने से काम नहीं चलता। अच्छा जी, मामला यह है कि आदमी जमात में निकल कर और मोहल्ले में मोहल्ले वालों के साथ तो बहुत बाखलिक रहेगा, लेकिन घर वालों के साथ जीरो है। हालांकि मेरे बीवी बच्चे मेरी अखलाक जिंदगी के उनसे ज्यादा मोहताज हैं। ये अल्लाह के नबी की जो जिंदगी के हालात मिलते हैं, अम्मी जाना आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपना काम अपने हाथ से करते थे, हमसे नहीं करवाते थे। अपना जूता अगर टूटा तो खुद सीते थे अपना काम, और हमारे घर के कामों में हमारे मददगार होते थे। घर का पानी बाहर से लाकर घर के दरवाजे तक हुजूर रखते थे, फिर हुजूर की जिंदगी घर वालों के साथ ये थी कि अगर वफूद आते थे और उनके साथ बैठने में देर लग जाती थी और घर देर से पहुंचे हुजूर, तो आसदासम घर में जाकर इस तरह दाखिल होते थे कि अगर कोई घर में सोया हुआ हो तो उसकी आंख न खुले, और सलाम इस तरह फरमाते थे कि अगर जागता हो तो सुन ले सलाम का जवाब दे दे, और अगर सोया हो तो उठे नहीं। अपने घर वालों के साथ यहाँ तक अम्मी जान फरमाती हैं हम में से कोई बीमार होता था तो हुजूर अपनी जरूरत भी उससे पूरी नहीं करते थे। घर में तशरीफ लाते, हालांकि आसासम के मुंह में तो बदबू का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप घर में आने के आते हुए मिसवाक करके फिर घर में आते थे। जिंदगी माशरत, हम अपने घरों में अपनी जिंदगी ऐसी बनाएं कि हमारी जिंदगी से हमारे बीवी बच्चे मुतासिर होकर हमारे सामने शरण हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं सुन रहे हैं, करने वाला करते हैं, हम भी करेंगे तो अल्लाह का हमारे लिए आसान करेगा। हमारे घर नमूना बनने चाहिए। हाँ
एक मरतबा अरबों की जमात के साथ में गया, अरब साहब से अरब तरब होते हैं, तो वो एक किसी मुल्क के जिम्मेदार साथी थे। एक दिन मुझे कहते हैं, शेख इस्माइल फीनल अयून वाइंदर नासे अयून, इस्माइल अपने अंदर कमजोरियां हैं और लोगों के पास कमजोरियां देखने की आंखें हैं। फीनल अयून वाइंदर नासे अयून, देखने की आंखें उनके पास है, लिहाजा अपने आप को संभाल के चलाने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों अल्लाह के दीन की दावत की मेहनत, अल्लाह ने एक अजीम मेहनत दी है जिसका लोगों पर एक तासुर है, लोग इसकी अजमत इनके दिलों में बैठी हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी आदमी की किसी कमजोरी में कोई टोकता नहीं कि तुम क्यों ऐसा करते हो, वो अजमत दावत की मेहनत की दावत, वे दीन की मेहनत करने वाले हैं। हम में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो मेहनत जो दावत की अजीम मेहनत नबी वाली मेहनत है, उसकी अजमत दिलों में खुदा जो डाली है, उसकी बिना पर लोग हमारी हमारा ये करते हैं। वरना मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दावत की मेहनत लगा दिया है, वरना अगर इस दावत की न लगते पता नहीं कौन से ग्रुप के लीडर होते हम लोग, कहाँ होते। कभी कभी सोचना भी चाहिए कहाँ थे, अल्लाह ने फैजल फरमा के इस मेहनत में हमारा हाथ पकड़ा और हमें एक माहौल अल्लाह ने अल्लाह फरमाया, वरना हम कहाँ होते। इस मेरे भाई मेरे अजीज़ो, अल्लाह ने एक मेहनत दी है, जो मेहनत हर मुश्किल का हल है और उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसाइल का हल ये मेहनत है, और कोई मेहनत नहीं, और कोई नहीं है। जब तक उम्मत दीन पर नहीं आएगी, उम्मत जिल्लत से नहीं निकल सकती। हाँ, इज़ा तबायातुम बिलैना वाखस्तु मज़ना वल्बकर वरदीतुम बिज़रा वतरकतुम जिहाद, अल्लाह के दीन की मेहनत को छोड़ोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम जिल्लत, अल्लाह तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। यही है, हुकूमत इनके पास है, कुर्सियाँ उनके पास है, इज्जत नहीं है, उन पर चलती दूसरों की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। लयन ज़ेऊ हद्दा तरजो इला दीनकुम, अल्लाह इस जिल्लत को तुम्हारे सरों पर से नहीं हटाएगा जब तक तुम अल्लाह के दीन की तरफ लौट ना हो। सल्लल्लाहु अलैकुम जिल्लम ला यंज़ु हद्दा तरजात, यहाँ तक कि तुम अल्लाह के दीन की मेहनत के दर न लौटाओ। इस वक्त दीन की मेहनत जो हो रही है, कितनी हो रही है। हम लोग जो के रात दिन ऐसे मजमू में आने के आदि बन गए, हम समझे माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है। अगर हम हिसाब लगाएं अपने मोहल्लों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी मस्जिद के तलाब में कितने घर हैं और उन घरों में कितने मुसलमान बड़ी उम्र के बाले मर्द हैं, उनमें से हमारे मोहल्ले से चिल्ले की जमातें या तीन दिन की महीने की जमातें कितनी निकलती हैं, तो शायद 2% हमारे यहाँ हमारी बस्तियों में 2% मेहनत है। 98% अभी मुसलमान दीन की मेहनत से दूर है। हमारी मस्जिदों से मेरे दोस्तों, अगर हर हफ्ते में एक जमात 3 दिन की निकले तो 10 आदमी निकले, 10 आदमी निकले, और मस्जिद के अतराब में 200 घर है, तो 200 घर तो 400 बाले मर्द हैं, और उनमें से हफ्ते में 10 दिन की जमात निकली, 10 आदमी की, 4 हफ्तों में 4 जमातें निकली, तो 4 जमातें 10-10 आदमी के, तो 40 आदमी हुए, 400 में से 40 निकले हैं, बाकी अपने अपनी मस्जिदों में अपने मोहल्लों में। हम कभी सोचें कि हमारे मोहल्लों में सालाना
पाबंदी से चिल्ला लगाने वाले कितने हैं? एक तो जमाते निकल रही हैं, लेकिन जमाते निकलने में पाबंदी से वक्त लगाने वाले कितने हैं? अच्छा, जब पाबंदी से वक्त नहीं लगता तो आदमी की तरबियत नहीं होती। लोग हमें तबलीग वाला समझते हैं। साल कल भाई फारूक ने कहा है कि सब दीन की मेहनत तो बहुत आसान है, फार्मूला बहुत आसान है, रोजाना और महाना और सालाना। कि रोजाना क्या करना है कि रोजाना एक 15-20 मिनट निकाल कर किसी मस्जिद के किसी नमाज के बाद अपनी मस्जिद में उसके मशकरा कर लो कि भाई अपने मोहल्ले के 100% मुसलमानों में अल्लाह का दीन और दीन की मेहनत जिंदा, उसकी क्या करना। ये मेरे दोस्तों 15-20 मिनट को बैठना वो बहुत फिक्र की बात है कि एक एक घर, हमारे मोहल्ले का एक एक घर और उस घर का एक एक फर्द की नौयत और उस नौयत को सामने रखकर मुलाकात की तरतीब। हाँ, वो हम जो कहते हैं ना मर्दुम शनासी वक्त शनासी, हाँ, तो ये तमाम चीजों को सोच समझ कर मेहनत के निजाम को सोचा जाए और मेहनत की जाए। घर घर जाना और एक एक फर्द के पास बैठ के थकाओ अपने आप को, थकाओ, इतना थकाओ कि अल्लाह को रहम आ जाए। मुलाकात बढ़ाए मुलाकात नहीं है, मुलाकात तो बड़ा ही मेहनत है। हमारी और आपकी दुकानों में जो भाग आता है तो उसके पास के साथ उसके बीच आके थकता है। वो कपड़ा लेने आया है, एक कपड़ा लेते उसको कपड़े उस कपड़े को बेचने के लिए 50 थान ला के रख देते दूसरे और नहीं मांगा वो ये उसको खोलने खोल कर कर देता है। हाँ, जो फरमाया करते थे, जो तदबीरें तुम अपनी दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हो वो तदबीरें अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करो। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूं, सबसे पहले तो सलाम जिंदा करो, छोटे बच्चों को ही सलाम करो, इतनी सलाम करो मोहल्ले से निकलकर छोटे बच्चों के, छोटे बच्चे तुमको निकलता हो देख घर से तो दौड़ते हो तुम्हारे पास सलाम करने आओ। नौजवानों को सलाम करो, ये नहीं हम इनको सलाम करना ही, हम सलाम इतना करें। मैं कहा करता हूं कि जब तुम अपने मोहल्ले के लोगों को सलाम ही नहीं करते और फिर हफ्ते में एक मरतबा गश में जाते हो, उसका तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है न सलाम का न कलाम का, और तुम आवाज दो कि इब्राहिम में तो थोड़ा निकलेगा वो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में सहाबा के सामने जो पहले खुतबा दिया और उसमें जो आपने फरमाया या अय्युहन्नास अफ्शुस्सलाम, ऐ लोगों सलाम को फैलाओ, हमारे सलाम नहीं है, हम घर में सलाम के दाखिल नहीं हो रहे। और किताबों में आता है जो आदमी घर में सलाम करके और अल्लाह का जिक्र करके दाखिल होगा और घर से निकलते हुए सलाम करके निकलेगा तो अल्लाह का लाशान हो उसके घर में खैर और बरकत के दहाने खोल देगा। और मुसलमान का हक है, मुसलमान के और हुकूक में एक हक यह भी है कि जब उससे मुलाकात हो तो सलाम करे। तो हम तो मुसलमानों के हमको पायमाल कर रहे हैं, सलाम नहीं कर रहे उनको। हम अपने मजदूरों को सलाम जब करेंगे तो हमारा मजदूर हमारे सलाम करने पर हमसे मोहब्बत करेगा और जब उससे हमसे मोहब्बत करे तो हमारी बात को सुनेगा। हदीस में हाँ, ला तदखुल जन्नत हत्ता तुमिनो,
तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान वाले ना बनो। वला तुमिनो हत्ता तहब्बु, और तुम ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करो। मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करता है, अदावत नहीं करता, नफरत नहीं करता। जिससे मोहब्बत करता है उसे अपने पड़ोस भीत में बिठाता है, दूर नहीं करता वो। वला तुमिनो हत्ता तहब्बु, और तुम ईमान वाले नहीं बनोगे जब तक आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करो। अफरादुल्लुकुम अला शय्इन इज़ा फ़अलतुम वतहाबबतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसा एक अमल न बताऊं कि जिस अमल को करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आपस में मोहब्बत पैदा कर देगा। अफ़्तुस्सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को खूब फैलाओ। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना मुनव्वरा में छोटे छोटे बच्चों को सलाम फरमा देता। ये अमल है बहुत आसान, लेकिन करना हम करते नहीं हैं। अगर हम अपने मोहल्ले में रोजाना अपने घर से निकलते हुए अपने रास्ते में जितने हमारे मोहल्ले के जवान बच्चे या जो भी हैं उन्हें सलाम करते रहें आते जाते, फिर गश्में के घर जाओगे ना, हाँ, और फिर इस भाई भाई तो ऊपर से देख, हाँ 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 क्या हाँ, हफ्ते में 15 मरतबा तुमने सलाम किए उसको, और सलाम करते करते भाई खैरियत तो है इतना भी कह दिया आपने। वो तो सोचा कि हमको कौन पहचानता है। हाजी साहब गश के दिन आगे हमारे आवाज दे रहे आते, बाकी हमको कहाँ पहचानते हैं। हमारा जवान काबिल रहम है, अगर हमने उनको अपने करीब नहीं किया, उन्हें अपने करीब करने की फिक्र नहीं की, तो हमारा जवान किसी और के गोद में जाके बैठेगा और फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल मुश्किल होगा। यही जवान आज के कल को हमारी बिरादरी और हमारे खानदानों के जिम्मेदार बनेंगे। इन दीन और दीन का फिक्र पैदा हो, हाँ, मेहनत की जरूरत है। अपने मोहल्लों में हम सलाम को जिंदा करेंगे, हर मुसलमान खूब सलाम करें और उन्हें करीब करें। अल्लाह तौफीक दे उन्हें अपने घर चाय पे ले जाओ, उन्हें अपने घर में कुछ खिला नहीं ले जाओ, और इनको करीब करना, इतना करीब कर लो कि वो हमारे बात का इनकार करते शर्माए कि यार हाजी साहब को मैं नहीं कह सकता। हाँ, हफ्ते में एक गश है, लेकिन एक गश इस तरीके से है कि हफ्ते भर मोहल्ले वालों के साथ ऐसा सलूक और बर्ताव किया जाए और सुन्नत पर अमल करो कि फिर वो हफ्ते वाले गश के दिन हमारी आवाज को सुनकर नहीं है या आज आएंगे ऐसा नहीं, बल्कि उतरे नीचे और हमारे साथ मस्जिद आ जाए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जो काफ़िले आते थे उन काफ़िलों के पास किसी मजलिस में तशरीफ लाते थे, फरमाते थे कि भाई तुम्हारी कारगुजारियाँ वगैरह तो सुन ली, बाकी मुझे तो एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई एक बस्ती ऐसी है जहाँ 100% मुसलमान नमाजी हैं, मुझे तो ये बताओ। सब खामोश होते थे और ये तो बेदोष फिक्र की बात है। नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, चोरी डकैती जितने बड़े बड़े गुनाह हैं जिसको हम गुनाह समझते हैं, इन तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। इसके माने है कि आज उम्मते मुस्लिमा में 80% मुसलमान गुनाह कबीरा में है, नमाज छोड़ रहे हैं, और नमाज का छोड़ना तो बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। तो फिर हम पर खुदा की रहमतें कैसे आएंगी।
ये हालात कैसे बदलेंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, रोजाना की मेहनत हम लगे, हम अपने तौर पर जाए क्या घर पे और बैठे उन्हें मानो से तकरीर ना करें, बातचीत करें, इफ़हाम और तफ़हीम। हमारे भाई, हमारे मियाँ जी मेरा फरमाया करते थे, तकरीर ना करो, इफ़हाम और तफ़हीम से कहो बात। इसी मेरे बड़े दोस्तों, जो काम अल्लाह ने हमें दिया है, हर मुश्किल काल है, अल्लाह ने इस मेहनत को इस उम्मत में अपने फर्दो करम से जिंदा किया है, रहम खाकर कि अल्लाह इस उम्मत के हालात को बदलना चाहता है। हम और आप अपने अपने अपना इसे काम बना है, काम बना है और काम करें। मशवरे जरूरत के अतबार से हैं, मशे में बैठ गए और मशे में बैठ गए तो भाई चाय लाओ, भाई लाओ नाश्ता लाओ, इसी में तुम्हारा रंग लग गया तो काम का कब होगा? सोचने की बात है दोस्तों, वह हमारी जिंदगी खाने पीने में लग जाएगी। हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बयान किया करते हैं, आपके घर में फाके रहते थे, हम फाके न करें तो कम से कम ये जितनी जरूरी जायद चीजें जिंदगी में लगी दाखिल हुई है उसको तो छोड़ें। दीन के खादे, हाँ तो हम रोजाना की मेहनत को बढ़ाएं, खुद जाएं और खुद शिकर करें। हाँ हमारी बीमारी में अगर हम जाएंगे तो अल्लाह को और रहम आएगा। हाँ और हमारी बीमारी तकलीफ में जिन घरों पर हम जाएंगे उन घर वालों को भी हम पर रहम आ जाएगा। क्या हिसाब, इतनी तकलीफ में आप हमारे पास आए हैं, बारिश में भीगते हो अगर जाएंगे तो हमारा भीगना भी मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत को उतर करेगा। आप सोचिए, एक बच्चा बारिश में भीगता हुआ घर में दाखिल होता है तो उसकी माँ को उस पर रहम आता है, तो अल्लाह तो माँ से भी ज्यादा रहम करने वाला है, उसे कितना रहम आएगा। मेहनत हो, ऐसी मेहनत होनी चाहिए कि मेहनत करते करते थक कर अंदर से आह निकले, अल्लाह तो कुछ कर दे, अल्लाह को रहम आएगा। हज़रत भाई जैसा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को थकाया है, दिल्ली से मेवाड़ चल कर जाना आसान थोड़ा है। अल्लाह का बंदा अपनी शौक पिराना साली बीमारी, उसने कभी दिन और रात कुछ नहीं देखा और अपने आप को इतना थका, अल्लाह को रहम आ गया। इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजों, ये जो रोजाना के अमल है, रोजाना अपने मोहल्ले में चल फिर कर मेहनत करना, ढाई घंटे तो बहुत कम है, ढाई घंटे में तो अगर सही मेहनत करें तो चार पांच घर भी मुलाकात में नहीं जा सकता। और हमारा वक्त हम कुर्बानी दें, अपने दुनिया के कामों को छोड़ें, अल्लाह के लिए जिस काम को छोड़ोगे अल्लाह उससे बेहतर आपको अता फरमाएगा। हाँ अल्लाह अल्लाह के नेक बंदों के फरमान है, मन तरक शहदिल्ला अब बदल्लाह खैर मिलो, जो आदमी अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ेगा अल्लाह इसके बदले में इससे बेहतर न फरमाएगा। लेकिन ये तमाम गैब की बातें हैं, इस गैब पर हम चलेंगे हमारा यकीन बनेगा।
अपने घर में रोजाना की तालीम इस फिक्र के साथ करो, जिस फिक्र से हम अपने घर में कोई बीमार होता है और वो बीमारी जरा खतरनाक होती है तो हम जिस फिक्र से उसको दवा पिलाते हैं, इससे ज्यादा फिक्र से घर की तालीम होनी चाहिए। अगर घर की तालीम सही फिक्र कुर्बानी के साथ, हम खुद शरीकों घर की तालीम में हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, दुकान और कारोबार को आगे पीछे करना होगा, और इस कुर्बानी के साथ घर की तालीम में बैठकर प्यार और मोहब्बत से अगर हम आधा घंटा तालीम करेंगे तो ये तालीम का अमल हमारे घर में, जैसे हजरत फरमाया करते थे, घर में तालीम को जिंदा करो, इस तालीम की बरकत से तुम्हारे घरों में जिन सुराखों से फसाद और बुराइयां और गुनाह आ रहे हैं, अल्लाह उन सुराखों को बंद कर देगा। और इस्तेकामत के साथ चलना है। हाँ, दीन की बात हमारे बाल बच्चों के कानों में रोजाना जो आधा घंटा हमारी तालीम लेके बैठेंगे, और रोजाना इनके कानों में जब हक बात और कुरान और हदीस की बातें इनके कानों के रास्ते से दिल में उतरेगी, तो मेरे भाइयों फिर इनका दिल मुतासिर हो तासर लेगा, इनकी जिंदगियों में दुस्तर का फिक्र आएगा, इनकी जिंदगियों में सुन्नत का जज्बा सुन्नत का शौक आएगा, फिर ये माएँ अपने बच्चों को बाजारों से तैयार कपड़े लाके नहीं पहनाएगी, कभी नहीं पहनाएगी। हाँ, हमारे यहाँ बाजी औरतें इनका शौहर उसका वो मॉडर्न टाइप का, तो मॉडर्न टाइप का लेकिन वो तालीम वगैरह में जा जाकर उसका जहन बन गया, तो वो एक ही बात कि मेरे बच्चों के जिस्म पर सुन्नत के खिलाफ लिबास नहीं आएगा, मैं नहीं पहनाऊंगी। चाचे वही है, पहले दिन से ये कि भाई छोटा बच्चा है ये क्या समझे, वो तो नहीं आप तो समझते हैं, इस बच्चे के दिल में सुन्नत की मोहब्बत आए और सुन्नत से ताल्लुक पैदा हो बचपने से आपको। हाँ, वो किसी मुल्क में हम गए थे, वहां औरतों की तालीम में खातून जाया करती थी, एक मतलब अपनी छोटी बच्ची को लेकर वो तालीम में गई, बच्ची को पेशाब आए तो उसको पेशाब करने के लिए घर की खातून जो है वो बच्ची को लेकर गई टॉयलेट में, उस बच्ची को पेशाब वगैरह करवाया और पानी से इस्तिंजा करवाए बगैर लेकर आ गई, तो बस ये रोती रही, रोना शुरू किया उसने, खामोशी नहीं होती, तो उसकी माँ ने सोचा क्या बात है, फिर उसने एकदम उसको चौंकी, वो घरवाली से कहा तुमने हमारी बच्ची को पानी से इस्तिंजा करवाया था या नहीं करवाया, तो मेरे यहाँ हमेशा मैं इसे पानी से इस्तिंजा करवाती हूँ, ये आपने नहीं करवाया इसे हो रही है, तो उसने ले जाकर पानी से इस्तिंजा करवा के खामोश हो गई। और पाकी तो आधा ईमान है, तो बच्चों को पाक साफ रखना हमारे जिम्मे है, ये आजकल तो पहना देते अंदर ही पेशाब करना पाखाना कर दिन भर, ये नई नई चीजें हैं, नापाक रहता है बच्चा, पाक साफ तहारत, जाहिरी तहारत से बातिनी तहारत दाखिल होती है, जाहिरी तहारत और बाकी इससे दिल पाक होंगे, हाँ इससे जिंदगियां पाक होंगी। हाँ, तो हमारे घरों में तालीम का अमल पाबंदी से होना चाहिए।
बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद है। हाँ, बच्चा जो है ना, बच्चा घर का माहौल जैसा पाएगा ऐसा बनेगा। मैं नौजवान बच्चों से कहते, बेटा तुम जो जैसे कपड़े पहनोगे हमारे छोटे बच्चे वही मांगेंगे। अगर तुम सुन्नत वाले कपड़े पहनोगे तो तुम्हारे छोटे भाई वो भी उस सुन्नत वाले कपड़े पहनेंगे। हमारी मिसाल तो ऐसी है कि तुम होलसेलर से लेते हो और नीचे वालों को देते हो। बच्चा हमारे हमारे घर के माहौल में अगर सुन्नत वाली जिंदगी है तो ये बच्चा उसे सुंदर जिंदगी का ताशु लेगा। हाँ, फिर ये बच्चा सुन्नत के खिलाफ का लिबास कभी नहीं पहनेगा। और जब बचपने से उसे सुन्नत वाली जिंदगी, खाना पीना आपने सुन्नत के मुताबिक इनको खाना सिखाया, पीना सिखाया, घर में आना जाना सिखाया, ये तमाम चीज सुन्नत पर आया, तो इसकी दिल में सुन्नत की मोहब्बत आ जाएगी। फिर जवान होने के बाद सुन्नत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। लेकिन मेरे भाइयों, घर की तालीम बड़ी अहम है। हम सुनते हैं लेकिन हमने तो देखा, जब हमारे हजरत के जमाने में काफले आते थे और जब उनको सोचा जा पूछा जाता था घर की तालीम कितने घरों में है, तो मैं 210% घरों घर की तालीम काम करने वालों के घरों में आ जाए। हालांकि तालीम तो हर घर में जिंदा होनी चाहिए, चाहे वो जमात में निकले ना निकले, फिक्र करने की जरूरत है। जब हमने अपने घरों में वजह एक बात फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह, करने के कामों में लगो तो न करने के कामों से बचोगे। घरों में तालीम बंद हो गई तो दूसरी चीज आ गई, घरों में जिक्र तिलावत का माहौल खत्म हुआ और चीज आ गई। हाँ, इसलिए मेरे भाई अब इन चीजों को लाने की जरूरत है, तालीम, जिक्र, तिलावत। हम अपने घर में बैठकर कुरान की तिलावत भी करें, अपने घर में हम सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक हम खाएं पिए, हमारा लिबास, हमारी जिंदगी। फिर मेरे दोस्तों, घर में जब सुन्नत का माहौल आएगा, इसी माहौल में हमारे बच्चों की तरबियत होगी। तरबियत पामाल से होती है, बातें तो तस्किर के लिए है। हाँ, इसलिए भाई दोस्तों, ये रोजाना के काम है, रोजाना की मुलाकातों में जाना, घर की मस्जिद की तालीम का अहतमाम करना, अपनी नमाजों का अहतमाम करना और सुन्नत पर अपने आप को पाबंद करके जिंदगी गुजारना। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो पेशरू में जब जमात में निकले होंगे तो खाने के पीने के हर लाइन के आदाब याद होंगे इनको, लेकिन अब कुछ साल गुजर गए तो आदाब भूल गए, इसलिए अमल नहीं है इस पर। जो चीज अमल में आ जाती है वो चीज मेरे दोस्तों दिल में जम जाती है। हमारे घरों को हम मिसाल घर बनाए, महीने के 3 दिन का अहतमाम हम करें, हमारी 3 दिन की और कुर्बानी के साथ करें। दुकान बंद करने की जरूरत पर बंद कर दे, ये कुर्बानी है। और जाए अल्लाह के राह में और अल्लाह ताला शानो इस कुर्बानी पर हमारे लिए हिदायत की राहें भी आसान करेगा और बरकतों के दरवाजे खोलेगा। जी हाँ, लेकिन ये करने से ताल्लुक भी है। जब हम और हमारी जिंदगी में हमारी औलाद अल्लाह के दीन की मेहनत में लग जानी चाहिए, ये कोई सोच सही नहीं है अब मैंने कारोबार छोड़ दिया है, बच्चों को सौंप दिया है, ये चीज ठीक नहीं है। आप कारोबार को ना छोड़िए, आप दीन की मेहनत में बच्चों को भेजिए, आप कारोबार में रहिए, उन्हें अल्लाह के नाम निकालिए।
इनका वक्त निकले, ये साल का चिल्ला दे, इनके इनकी सफर होने चाहिए। अपनी तरतीब और बड़े हमको देनी पड़ेगी। जिन लोगों के बच्चे उनकी जिंदगी में दीन की मेहनत में लग गए वो लग गए, और जिनके बच्चे नहीं लगे वो उनके मरने के बाद कोई नहीं पूछता। और अगर हक की जिंदगी, हक में ये इनकी मेहनत न हुई, अगर ये हक के दाई न बने तो ये बातिल के मधु बनेंगे। हाँ, हमारी बच्चियां हमारे घरों में ईमानी और दीनी तरबियत के बाद किसी खानदान में जाएगी तो ये उस खानदान में दीन के लाने का जरिया बनेगी। दाई बनी है घर में, दावत दावत दाई बनना मामूली चीज नहीं है। आदमी जब हक का दाई बन जाता है तो फिर बातिल का मधु नहीं बनता। आदमी दाई बने, हर जगह दावत दे। हमारी मां सईद खासा फरमाते थे, दाई कौन है कि जो हर वक्त दावत दे, हर जगह दावत दे, हर एक को दावत दे, ये दाई है। हर वक्त हर जगह हरे हरे को दावत दे, ये घर घर की दावत में ये सब होगा। जब आप घर घर अपने मोहल्ले के घर घर में जाके दावत दोगे ना, उसमें भी दोस्तों इंजीनियर साहब भी होंगे, डॉक्टर साहब भी होंगे, मालदार साहब भी होंगे, गरीब भी होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे, सब होंगे। अब उनके पास जाके जब जाके दावत दोगे तो उनका तासुब तुम्हारे दिल से निकलेगा। पहले आप सुने लोग यार बड़े उसको बड़ा एक अल्लाह है, अल्लाह के बंदे हैं, तासुर निकलेगा अहले दुनिया का, तासुर निकलेगा तुम्हारे दिल से मुलाकातों में। और अल्लाह और आखिर की बातों को जाकर तुम उनसे कहोगे ना, हाँ, तो वो उनके लिए मुतासिर हो। घर घर की मुलाकात ये बहुत जरूरी है। असल तो अपने लिए है, अपने ईमान को बनाने के लिए है, अपने अंदर से दुनिया का तासुर निकालने के लिए। महीने के 3 दिन का इंतजाम करें आप, आपका निकलने का वक्त तय होना चाहिए। और हजरत फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद की जमात का हर साथी 27 दिन मेहनत करके अपनी जमात बनाकर 3 दिन निकले। हर आदमी, और जब आप पाबंद हो जाएंगे 3 दिन के कि आप 30 हफ्ते में जाते हैं, तो फिर ये लोग आपके साथ आपकी थोड़ी फिक्र में तैयार होंगे। जी हाँ, महीने के 3 दिन का इंतजाम बहुत जरूरी है। हाँ, हजरत तो याद फरमाते थे कि अगर तुम्हारे 3 दिन का वो 3 दिन का वो वक्त है तो और किसी तकादों में जाने के बजाय 3 दिन लगाओ अमूमी। बहुत शिकर की बात है दोस्तों, कनात नहीं होनी चाहिए। हम कनात कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां से जमात निकलती है। अरे भाई, कितनों में से कितने निकल रहे हैं? जो नहीं निकल रहे तो ज्यादा हैं, और निकलने वाले तो बहुत कम है। और सबकी जरूरत है ईमान की बनाने की, तो सबको जरूरत है, सबकी से सही फिक्र बनाने की जरूरत है। इसलिए अफराद से मैं दोस्तों सोसाइटी बनती है। सोसाइटी में जब तक दीन नहीं होगा, हमारी औलाद की दीनी तरबियत नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अवकात की तरतीब तो मामूली है। महीने में 3 दिन क्या मुश्किल बात है मेरे भाइयों? साल में सिल्ली की तरतीब क्या मुश्किल बात है? दिल पर लेने की बात है। हमारी और हमारे घर के एक फर्द की तरतीब बने, ये पूरी चीज मेरे दोस्तों हम सब एक फिक्र लेकर अपने अपने इलाकों में इसको जिंदा करें, मायूस न बने और अपने आप को थकाएं और रातों को उठकर दुआएं मांगे। मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत
दिन की मेहनत से जिस्म तैयार होगा और रातों को उठो खुदा के सामने रोने से इसमें जान पड़ेगी। हजरत बाईसर रहमतुल्लाह अलैह रवानगी में बाकायदा वाकया बयान क्या करते हैं, इसलिए इसकी जहन बनाने के लिए कि एक जगह एक मरतबा एक बढ़ाई, एक सुनार, एक दर्जी और एक चौथा आदमी, ये चार आदमी सफर में जा रहे थे। एक जगह पड़ाव रखा, पड़ाव डाला, पड़ाव में मशवरा के भाई चलो रात भर चौकीदारी की तरतीब बनाए बारी बारी, तो तरतीब बनाई तो सुथार पहले नंबर पर सुहा सुधार का नंबर आया, दूसरे नंबर पर दर्जी का नंबर आया, तीसरे नंबर पर सुनार का नंबर आया और चौथे नंबर पर जो चौथे साथी थे वो सुनार दर्जी कुछ नहीं थे, वो उनका आया। अब सो गए साथी तो सुथार सुधार कहते हैं उसको, क्या कहते थे अंग्रेजी या उर्दू में बढ़ई, जो बढ़ई था उसने देखा जागना है तो जागू तो क्या करूं, तो उसने सोचा चलो लकड़ी लागे कोई कोई चीज बना दो, तो लकड़ी लागे उसने लड़की की शक्ल, एक लड़की की शक्ल बना दी, इसका पूरा हुआ तो सो गया। वो आया दर्जी, उसने सोचा सोचा कि मैं क्या करूं, तो सोचा कि ये लड़की तो बनी हुई तैयार है इसका मैं कपड़े बना दूं, तो उसने कपड़े बना के उसको पहना दिया, उसका पूरा हो गया। तो तीसरा आया, उसने देखा कि भाई मैं क्या करूं, तो उसने देखा कि ये तो लड़की है ही, कपड़े ही पहना दिए हैं, लव में उसे जीवर पहना दूं, तो इसे जीवर बना के पहना दिया। अब चौथे आए तो उनको तो कोई काम आता ही नहीं था, उसे अब क्या मैं क्या करूं, कभी ये लड़की तैयार है कपड़े पहना दिए हैं, चलो मैं अल्लाह से दुआ कि इसमें जान डरवा दूं, तो उसने अल्लाह से धोखे दुआ के अंदर तू खादे मतलब है इसमें तो जान डर दे उसमें जान पड़ गई, तो कहते जान पड़ेगी दुआ से, जान पड़ेगी दुआ से। मेवा मेवा के हजरत जो हमारे थे मेवा पर मेवा तो मेवा तो हमारे जो अहबाब हैं वो तो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, ये तो आजकल पढ़े लिखों का मजमा तो आया, लेकिन रातों को रोते बहुत थे, मेवात के रातों को रोते बहुत थे, हाँ अल्लाह से रोते थे वो, आज रोना कम हो गया है, दुआएं कम हो गई हैं, हमें दुआओं में लगने की जरूरत है। और साथियों को भी हमने आज से 50-60 साल पहले तो हमने तो देखा है जमात में तहज्जुद की बाकायदा फजाइल बयान किए जाते थे, और तहज्जुद के फजाइल बयान करने के बाद ये कहते भाई देखो ये उठाएंगे जिनको उठना हो इनसे क्या देना अपने शौक से जो भी गए, तो जवान बच्चे बाकायदा शौक से तहज्जुद उठते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। हाँ रातों को उठना तो अल्लाह से दुआएं मांगना। तो मेरे भाई दोस्तों अभी हमें अपने मेहनत को अपने बुजुर्गों की तरतीब पर लाने की ज़रूरत है। रातों को उठना, रात को उठकर खुदा से मांगना, ये है हमारे काम की जान, इसे जान पड़ेगी। और तहज्जुद में उठकर खुदा से मांगने के मकदार को बढ़ाया जाए, रोना धोना अल्लाह से मांगना, तो इंशाल्लाह अगर हमारी मेहनत का रुख सही पड़ जाएगा, हमारी भी तरक्की इसमें है, हमारी अपनी तरक्की है। दुआ के रास्ते से आदमी को अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है,
अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अल्लाह ताला शानो अपने बंदे की दुआओं को बहुत एहतराम करते हैं, मेरा बंदा मांग रहा है, हाँ तकर्रुब का जरिया है। इसलिए मेरे भाइयों, इरादे में अल्लाह के पास अगर मेरा बंदा सबको छोड़ के मेरे पास आया है और मुझसे मांग रहा है तो अल्लाह को और पसंद और मोहब्बत होते मेरे से। इसलिए भाई हम निज़ाम बनाए रोज़ाना का, माहाना और सालाना। ये तो मजबा ऐसा है, इसमें तो बहुत बड़ा मजबा हुआ है, जो रिटायर है घर पर रिटायर है, ये तो सालाना 4 महीने अल्लाह के राह में 6 महीने लगा सकते हैं, 6 महीने लगा जितना लगा लोगे अपना है, यही काम आएगा। अल्लाह के नबी ने यही फरमाया है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो, जिंदगी को मौत से पहले, मौत से पहले पहले कर। मुझे बयान करने बैठे हुए तो बयान कर ही बैठे हुए, मैंने कहा भाई मुझे मत बिठाओ। तो भाई दोस्तों ये बहुत फिक्र की बात है, 4 महीने अभी जिंदगी है, कर लो। यूं भी घर बैठे बैठे क्या करेंगे आंटी, अल्लाह के नाम निकलो तो मस्जिद में जाके बैठ जाओगे। आप बड़ी उम्र के हैं तो आप बड़ी उम्र के तो आपको लोग मिलने आएंगे मस्जिद में, आप वहां तक भी समझाइए गश्त में। मैं एक मरतबा एक नौजवान अरब आए यहाँ वक्त लगाने के लिए, दोनों पैरों के शर्त है और घोड़ी लेकर आए थे, वो हमारे साथ जमात में निकले, वो यूपी में। अब यूपी में मस्जिदों में बैतुल खला तो आप जानते ही हैं, वो हमारे साथ निकला। वो तो मैं उसके माजूर था तो मैं उसको गश्त में भेजू नहीं, 1 दिन 2 दिन तो सबर किया उसने। मुझे कहे शेख इस्माइल मुझे तू गश्त में क्यों नहीं भेजता, मुझे गश्त में जाऊंगा मैं। मैं कह भाई तुम करना ही मैं जाऊंगा, मैं कहा ठीक है। तो मैंने उनको गश्त में भेजा, तो उस दिन मोहल्ले से तब नौजवानों का एक बहुत बड़ा मजमा उनके साथ मस्जिद में आया, पैरों से माजूर आदमी, लोग देखे यार ऐसे आदमी आया है, तो उनके साथ आया है तो गश्त और कामयाब हो गया। तो मेरे भाइयों आप आजाद से हमारी गुजारिश है, जिंदगी ये कर लो, आप आजाद की कुर्बानियां रंग लाएंगे। हाँ, और 4 महीने हर साल 6 महीने माशाल्लाह, तो लोग 7-7 महीने लगाते हैं, 7-7 महीने की जमाते हैं। आप हजार कुछ छोड़ के जाओ, मैं दुनिया से इस हाल में जाना चाहिए कि अपने पीछे एक बहुत बड़ा मजमा अल्लाह के दीन की मेहनत पर मैं दोस्तों लग रहा हूं। हाँ ये मौका है मेरे दोस्तों, अपने औकात की तरतीब बनाए, घर की तरतीब बनाए, मोहल्ले में हमें लड़ना नहीं चाहिए, कोई लड़े अपनी बला से हम बर्दाश्त कर लेंगे अल्लाह के दीन के खातिर, और इंशाल्लाह ये बर्दाश्त करना ये बहुत कुछ रंग लाएगा। हाँ, और मोहल्ले में चलने की मेहनत करें, जवानों को मानूस करें और मस्तूरात की तालीम को घरों में जिंदा करें। अपने हफ्ते अपने मोहल्ले में मस्तूरात की जमात है, अगर मस्तूरात की तालीम हो रही हो तो उसके लिए औरों को तरगीब दें कि अपनी मस्तूरात को तालीम में भेजें, तो इंशाल्लाह अगर फिक्र की जाएगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह बड़ी कदर करने वाले हैं, बहुत कदर करने वाला है वो। हाँ, इसलिए भाई दोस्तों अल्लाह करे कि मेहनत की शक्ल अल्लाह ताला और बढ़ाए और ये मुसलमान अपने गलत ज़िंदगी से तौबा करके नबी वाली मेहनत में अपनी जान माल लगाने वाला बन जाए, तो इंशाल्लाह इसकी भी हिफाजत है, इसके दीन की हिफाजत है और दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा होगा। इसके लिए अब ये हमारा जो मशवरा हुआ है, इससे तमाम बातें देकर वहाँ अपने अपने इलाकों में जाकर एक एक मुसलमान पर मेहनत करके इन आमाल पर लाने की फिक्र करनी है। करोगे थकोगे तो नहीं, थकना नहीं चाहिए, और थको तो थक कर बैठ कर या अल्लाह कर दे।
अल्लाह का रहम आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, अल्लाह से दर्द दिल मांगो, दर्द दिल, दर्द दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और न ताअत के लिए कुछ करने से करो बयान। अल्लाह की ताअत में तस्बीह तो दरख्त भी कर रहे हैं, पत्थर भी कर रहे हैं, मखलूक कर रही है। इताअत अल्लाह की बंदगी करने वाली बहुत मखलूक है। इंसान में दर्द गम होना चाहिए दूसरे इंसान का कि अल्लाह इनका क्या होगा। वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जब तुम जाओ ना तो ये जिनके पास ईमान नहीं है उन्हें उन्हें गुस्से की निगाह से मत देखो, उन्हें प्यार मोहब्बत की निगाह से देखो। अल्लाह ये भी तेरे बंदे हैं, इन्हें तो ईमान दे दे, हिदायत दे दे, इन्हें जहन्नम से बचा ले। हाँ, प्यार मोहब्बत की निगाह से देखना। इसकी भाई दोस्तों इसकी कोशिश करें, फिक्र करें, और हर एक को दावत की मेहनत लगाने की कोशिश करें।